Sumbul? Sumbul?
सुंबुल तुम रुक क्यों गए? बजाओ ना। तुमको कितना दफा मना किया इधर अकेले मत आया करो। क्यों, मुझे कोई क्या कह सकता है? एक तो तुम समझता नहीं है। एक तो तुम समझता नहीं है। अच्छा तुम समझाओ, क्या समझाना चाहते हो? देखो सुंबुल, तुम तो गांव वालों को जानते हैं ना, जिधर से तुम गुजरते सब लोग तुमको देखते हैं। हमको बहुत गुस्सा आता है, पता है हमारा दिल क्या करता है? क्या हमारा दिल करता है? हमारा दिल करता है हम तुमको सबसे छुपा दे या फिर सबको मार दे गए और किसी दिन खामखा किसी बाबा, को। बाबा हम अकेला नहीं आया, हमारे साथ हमारी ढेर सारी सहेलियां। सच? अपनी कसम। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा ये बताओ तुम किधर गए थे? हम ये साथ वाले गांव में गया था, जुम्मे को एक शादी है ना। शादी? अच्छा हाँ, उसी का पता करने गया था। अच्छा अब मैं जा रही हूँ। थोड़ी देर तो और बैठो ना। नहीं बाबा नाराज होंगे। ठीक है ठीक है। हुकम साहब, वो जलाल खान को जरा बुलाना। क्या बोले? हाँ उसको बोलो जरा जल्दी आ जाए इधर। ठीक है मेरे साहब। हाँ वो रात को खाने का बंदोबस्त दावत वावत सब ठीक है? सब इंतजाम मैंने कर लिया। देखो वो वजीर साहब आज पहली दफा जब मेरे घर पर आते। बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाओ। और हाँ वो इमू को भी बता देना। ठीक है। पहले कचहरी जाने का कहलवाया था। कुछ याद नहीं रहा, अभी जागा हूं। जागे तो बहरहाल तुम अब भी नहीं हो जलाल खान। तुम्हें अपनी हैसियत का अंदाजा है कि तुम इस इलाके के सबसे बड़े आदमी के छोटे भाई हो, इस इलाके के मालिक हो। तुम्हारा मेल जोल अपने बराबर के लोगों के साथ होना चाहिए। ये जो तुम्हारे लफंगे किस्म के दोस्त तुम्हारे साथ रहते हैं, कौन है ये लोग? जी जिनों की आप बात कर रहे हैं वो दोस्त हैं मेरे, बाइज्जत लोग हैं। बाइज्जत लोगों की वजह से तुम्हारे रवैये में तलखी आ गई। ठीक है अगर आप समझते हैं तो। मैं ये भी समझता हूं कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो और तुम नहीं कह रहे। क्या फायदा लाला, वो कौन सी बात है जो मैंने कही और आपने मानी? वो बात इलाके के सारे इख्तियार तो आपके पास हैं। तुम्हें पता है मैं कोई फैसला अपनी जाती रंजिश या ख्वाहिश के मुताबिक नहीं करता। मैं जरगिल के फैसले को बड़ी अहमियत देता हूं।
अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे क्या नाम है वो अब्दुल्ला लोहार को गांव से बाहर निकालने के लिए कहा तो आपने मेरी बात नहीं मानी और वो सूबेदार से घर वापस लेने के लिए कहा तो आपने दलीलें देकर मुझे खामोश कर दिया। और हाँ, और ये छोटे जात के लोग, मैं ऐसा नहीं कर सकता। देख लूंगा मैं, आपने जो कुछ करना है आप कर लें, पर हां मैं आंदा आपके साथ किसी कोर्ट कचहरी में जाने का पाबंद नहीं हूं। दोस्तों, आज के लिए हंगामी मीटिंग तालीमी इदारों में तुलबा के साथ होने वाली नाइंसाफियों के बारे में बुलवाई गई है। हमें अपनी कुव्वत को सामने लाना है और हक की आवाज उठाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं समझता हूँ कि सिर्फ नारेबाजी और एहतजाज से हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि इसके लिए हमें अमली इकदाम उठाना पड़ेगा। इसलिए हमने फैसला कर लिया कि हफ्ते के रोज से शुरू होने वाले एग्जाम्स का हम बायकॉट करेंगे। इस वक्त एहतजाज का सबसे मौसर जरिया यही तो है और कोई चारा भी तो नहीं। ये आप समझते हैं, मैं नहीं। मजदूर खान, आप जैसे अहम और बासर लोगों की हिमायत के बगैर हम अपने मुतालबात नहीं मनवा सकते। चार दीवारी से बाहर हो सकता है सब कुछ, यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट हैं। लो, हम ये सोच रहे थे कि मजदूर अपने आदमी और असला दोनों देगा। शायद मैं ऐसा ना कर सकूं। इस तरह तो तुलबा तंजीब अपने मसाइल के लिए कोई आवाज नहीं उठा सकती। फिलहाल इंतखाबात की तैयारी और इम्तहानों में शिरकत। जहां तक मुतालबात की बात है, मैं वादा करता हूं जायज हकूक जरूर मनवाएंगे हम, और इस सिलसिले में मैं सबसे आगे आगे हूं। इतना बन ठन कर मत फिरा कर, गांव में सारे अच्छे लोग नहीं हैं। छोड़ अम्मा, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। क्यों बाबा? देखो हमारा बच्ची, लोगों का जुबान कुछ नहीं बोलता है, ये जो आंख है ना, ये कहा जाता है कहा। क्या है बाबा, हर वक्त नसीहतें करते रहती है। ठीक है, अब जब बाहर जाऊंगी ना तो तवे से थोड़ी सी चाय लेके माथे पे लगा लिया करूंगी। मैंने बोल दिया, अब तुम जानो तुम्हारा बाप। देखो ये जो यारजान है ना, ये हमको बहुत अजीज है। इसका मरहूम बाप को हमने तुम्हारा और इसका रिश्ते का जमान दिया था, और तुम्हारा माँ को भी ये रिश्ता पसंद आए, इसका भी ख्वाहिश है। बाबा अरे मजदूर, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरी गाड़ी नहीं आएगी? ओ अच्छा अच्छा, पापा ने भिजवाया होगा। चलो जो भी है, अब तो मैं बैठ गई। मोहतरमा, आपके दोनों अंदाजे गलत हैं। हॉस्टल से आ रहा हूँ मैं और बाजार जा रहा था, इत्तेफाक से आप नजर आए। सॉरी, फिर तो मुझे पूछकर बैठना चाहिए था। ये तो है, तो ठीक है, मैं रिक्शा कर लेती हूँ। अब आप बैठ गई हैं तो
लाकन आपको घर तक छोड़ना ही पड़ेगा। आपके इखलास का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज सबा, इन सब बातों के अलावा आप मेरी कजन भी तो हैं। मेरे बहुत ही स्मार्ट और ग्रेसफुल अंकल खलील खान की बेटी। वालेकुम अस्सलाम। भाई मजदक, ये तुमने मेडिकल में दाखला ले लिया या सबा ने यूनिवर्सिटी में? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ अंकल, लेकिन अगर आप वक्त पे सबा के लिए गाड़ी नहीं भेजेंगे ना तो पता है आपको मुझे इन्हें घर छोड़ने के लिए मेडिकल में दाखला लेना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तुम ज्यादा बातें नहीं करो, चलो अंदर चले। भाई ये सब कुछ तो ठीक है जी, लेकिन क्या हो सकता है? जी अंकल, आप लोग बैठे हैं, गपशप करें, मैं चेंज करके आती हूँ। मुझे अब इजाजत दें। अरे नहीं बैठो, मतलब मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। जी आज तुम्हारे बाबा का फोन आया था, वो खासे परेशान थे। जी क्यों, खैरियत? जलाल गांव वालों को लाला निहाल खान के खिलाफ उकसा रहा है। लेकिन चाचा जलाल ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो अपनी शायद मौतबरी चाहता है। गांव के लोग इतने बेवकूफ और सादा नहीं कि चाचा की बातों में आ जाए। अफवाहों के साथ अगर धौंस धमकी भी हो ना तो बहुत कुछ हो सकता है। तो फिर अब? अब ये मैं सोच रहा हूं कि कुछ दिनों के लिए गांव चला जाऊं। आप? नहीं नहीं, क्या आपको पता नहीं कि हमारे दुश्मन आपको मारना चाहते हैं? क्योंकि आप मीरजादे होने के साथ साथ एक आला मनसब पर भी तो हैं। मजदक, मुझे दुश्मन की गोली का डर नहीं, डर इस बात का है कि हालात यूं ही रहे तो हम भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन होंगे, और मैं ये नहीं चाहता। अच्छा अच्छा अच्छा, चुड़ैल आ गया। क्या तुमने मुझे चुड़ैल बोला? तुमने मुझे जान बूझ कर चुड़ैल बोल दिया? जान कर नहीं, पहचान कर बोला है। चुड़ैल थोड़ा थोड़ा चुड़ैल बोला, मैं जान निकाल दूंगी तुम्हारी। संपुत, तुमको जान निकालना की जरूरत? तुम तो जिंदगी है हमारा, तुम कैसे हमारे जान दे सकते? मैं जानती हूँ। सुनो, तुम रात शादी से कब लौटे? सुबह का आजान हो गया था, इधर तक पहुँचते फिर तो मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी ना? नहीं नहीं, जागना तो था ही, ऐसे मत करो ये टूट जाएगा। एक बात बोले, नाराज तो नहीं हुई ना? नाराज होना तुम्हारा आदत है, मेरा नहीं। वो तुम ना इधर मत आया करो हमारे पास। ठीक है, अगर तुमको मेरा आना अच्छा नहीं लगता तो मैं यहाँ आइंदा कभी नहीं आऊँ। सुम्बुल, हमारा ये मतलब नहीं था, हम तो बोलते हैं ऐसे नहीं खामखा हमारे वजह से हवेली में तुमको कोई कुछ बोले फिर। क्यों, हवेली वाले मुझे क्यों कुछ कहेंगे? उनकी जरूरत है मुझे कुछ कहे हवेली वाले? अच्छा भी ज्यादा बहादुर मत बनो, लड़की है तुम, वक्त पड़ेगा ना तुमको बताओगी मैं कितनी बहादुर हूँ। कितनी बहादुर हूँ?
किसकी आवाज है? मुन्नू मामा का आवाज है, इधर ही आ रहे। अच्छा अच्छा, मुन्नू मामा। बाबा? हाँ। ये बाबा क्या बात है? हाँ। किधर जाओ, क्या कर रहे हो? उधर नहीं, इधर से जाओ, इधर से। इधर से कैसे जाओ? और इधर से नहीं, इधर से। अच्छा, इधर से। हाँ। जाता हूँ। राजा? आओ मामा, आओ। अरे बेड़ी बताऊँ, अभी ज़्यादा? हाँ 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 हाँ। वो खाना नहीं, एक उधर हवेली में मेहमान आ रहे हैं मीर साहब के, और तुम अभी जा गए, ये अपना साथ जरा ताजा करके रखना। अच्छा ठीक ठीक है मामा, तुम बैठो ना, हम चाय बना के लाते हैं। कब तक खुद चाय बनाओ? अच्छा मैं चलता हूँ, हवेली में बहुत खाना। ठीक है। और सोचते चले जाना कोई अच्छी बात नहीं, हमें मसाइल के हल के बारे में सोचना चाहिए, बल्कि मसाइल को हल करना चाहिए। मीर साहब आप तो जानते हैं कि इन इलाकों में आप जैसे लोगों के बगैर इंतजामिया का काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सही आप कहते हो, ये काम करना जो है ना, ये तो कोई आदमी भी चाहे ना वो काम कर सके, बात सिर्फ प्लानिंग और थोड़ी सी नीयत की और जज्बे। असल में मेरी पोस्टिंग को चंद ही दिन तो हुए हैं जी, और मुझे तवक्को है कि आपका फिल्म बहुत काम। ठीक है। सोचना और सोचते चले जाना कोई अच्छी बात नहीं है, हमें मसाइल के हल के बारे में सोचना चाहिए, बल्कि मसाइल को हल करना चाहिए। मीर साहब आप तो जानते हैं कि इन इलाकों में आप जैसे लोगों के बगैर इंतजामिया का काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सही आप कहते हो, ये काम करना जो है ना, ये तो कोई आदमी भी चाहे ना वो काम कर सके, बात सिर्फ प्लानिंग की और थोड़ी सी नीयत की और जज्बे। असल में मेरी पोस्टिंग को चंद ही दिन तो हुए हैं जी, और मुझे तवक्को है कि आपका और यहाँ के लोगों का तावन अगर मेरे साथ रहा तो मुझे यकीन है कि इस इलाके में तब्दीली आ सकती है। यकीन यकीन, मैं तो आपको सच्ची बात बताऊं, मैं तो इस जमीन के इश्क में मोहब्बत करता हूँ, इस जमीन से अपने इन सादा और इन बहुत मासूम लोगों से बड़ी मोहब्बत है मुझे। मैं चाहता हूँ कि इनकी तरक्की हो, खुशहाली हो। और एक बात मैं आपको बताऊँ कि मैं ऐसे कोई बातों शातों का बादशाह नहीं हूँ, बल्कि अमल करना भी जानता हूँ। असल में मेरा ओहदा इस ख्वाहिश की इब्तदा है। आप जैसे ज़हीन नौजवानों को देख के ये ब्यूरोक्रेसी में एडमिनिस्ट्रेशन तबीयत बड़ी खुश होती है। जी मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। आइए मिठा। हाँ वो वजीर साहब आ गए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, चलो। Thank you.
जी जनाब। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ रवायात को जिंदा रखने वाले आप जैसे लोग कुछ कम होते जा रहे हैं। असल में कुछ हादसा ऐसा है कि आजकल रिवायत पसंदी या रिवायत की बात करना इसे माजी परस्ती और जहालत तसव्वुर किया जाने लगा। लेकिन जहाँ तक माजी पसंदी का ताल्लुक है वो तो ठीक है, मतलब माजी परस्ती कुछ ठीक नहीं। जी हाँ, सही आपने फरमाया। ये जो बुरी रसूमात हैं आप जानते हैं, इसके बारे में तो किसी की राय अच्छी नहीं, और मैं खुद भी बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बुरी रसूमात हैं कम अज कम इनका खात्मा हो सके या ये कम हो सके। होना चाहिए, सही है। हाँ, वो आपके लिए हमने कोई थोड़ा सा म्यूजिक का बंदोबस्त किया, अगर आपकी इजाज़त हो शुरू कीजिए। जी मीर साहब, वो बाबा क्या तुम्हारे वो शेर बागल वालों ने क्या तैयार किया? जी मीर साहब खूड अब बशीर जान बिस्मिल्ला। बिस्मिल्ला जी हाजिर। ती पव चांदी ना छल वसदा लैला ना हे होती आड़ी ढोलक मा मैट के निकारे तखन पंपी का सितार छुपती सबर डुपती सबर मखी सबर जानी वाले परे तो बहुत सारे लोग आए हैं, और पता है एक वजीर भी आया है। इतने लोग हैं खुद ही लगता है जैसे किसी की शादी हो। आए ना भाई, चल के देखते हैं। उठे आए, पागल हो गई, उम्र तो है, कैसे जाएंगे? ओहो, ऐसा करते खुद ही हम खिड़की से झांकते हैं, ठीक है ना भाई? खुद ही राजान भी आया हुआ है, और इतना अच्छा सोना बजा रहा है, इतना अच्छा सोना बजा रहा है। यदि कुछ नहीं होता ना, हम झांक लेते हैं खिड़की से, किसी को क्या पता नहीं। खिड़की से झांकना अच्छी बात नहीं। तुम ऐसा करो, ये कपड़े ले जाओ और राबिया को दे, ठीक है जी? ये भी ले। अच्छा सुनो, हाँ जी, राबिया की शादी कब हो रही है? वो अगले महीने गोदी। मैंने अपने कपड़े भी बना लिए हैं। अच्छा, लड़का क्या करता है, कैसा है, तुमने देखा है फिर? हाँ गोदी, लड़का बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। राबिया की माँ तो सृष्टि से बड़ी खुश है। सुमन जी, तुमने मेरा दिया हुआ चांदी का सेट क्यों नहीं पहना? गोदी, आपके दिए हुए जूते और कपड़े तो पहनती हूँ मैं। जूते और कपड़ों का नहीं पूछ रही, सेट का पूछ रही। अच्छा अच्छा, वो चांदी का सेट पहनूंगी, जरूर पहनूंगी। गोदी कब पहनोगी? जब आपकी शादी होगी तब पहनूंगी। मैं जाऊँ, मैं राबिया को कपड़े दूँ।
बाबा, बड़ी मुश्किल से 5,000 रुपए जमा किए थे, सेल खरीदने जा रहा था, रास्ते में गिर गए, पगड़ी में रखी थी, पगड़ी में। मेरे लिए कुछ करो, मेरे लिए कुछ करो, मेरी तो कमर टूट गई। सब तुम्हारा काम है, जला कर खाक कर दूंगा। जाओ जाओ, रात को किसी वक्त तुम्हारे घर फेंक देगा। जाओ। ज्यादा जरूरी काम कोई और नहीं होता। चलो उठो उठो, आप उठो, बीवी आप लोग उठो उठे, चलो 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 चलो। हेलो जी साईं बाबा, इनको मेहमान खाने लेकर जाओ। अच्छा साईं बाबा, चले आप। जी तो रहे हो लेकिन मेरे मामला जान नहीं सके। इतने समय तुम ये भी नहीं जान सके कि मेरे कौन से मामला कहां तय होते हैं। जानते हो ये लोग कौन थे? इंतजामिया को पता चल जाए, जानते हो क्या होता? नहीं होगा। जाओ दूर जाओ मेरे नजरों से, गुम हो जाओ।
तैयार किया था फिर भी हार गया। जरूर इसकी खिदमत में कोई कसर रह गई होगी। जितना खिदमत उस काम ने किया हमको पता है, बस किस्मत का बात है। बादशाह बादशाह सब कुछ अपने किस्मत में डाल। तो अभी हम मुर्गा है जो सब कुछ लोग हमको बोल रहे हैं यार। यार अभी बस करो यार, मेरे साथ पहले से मूड खराब है, शुरू हो यार। अच्छा बैठो। लगता है मीर जलाल का रोब भी खत्म हो गया। क्या मतलब? वो अपना यारू नहीं है, अब्दुल्ला का गांव गया था शायद आपसे पूछे बगैर। ये जानते हुए तुम अब्दुल्ला के पास गए कि वो हमारे दुश्मन है? जी वो मैं मिस्टर। क्यों गया था वहां? शादी में बुलाए थे। शादी में? उनके खुशी में तुम शरीक हो? जी वो मिस्टर मैं तो मुझे तो इस बदबख्त पे पहले भी शक था। हम गरीब जरूर है मगर मुझे खराब नहीं है। वाह खूब बातें करते, चालाक भी बहुत हो। चालाकी का बात नहीं है, हम सच बोल रहे हैं। खबरदार जो मेरे दोस्तों के साथ ऊंची आवाज में बात की। ये सब लोग हमारी बेइज्जती कर रहे। तुम भी इज्जतदार बन गए हम। लोग उसको उठा कर लाए। कोई वजह तो होगी मारने की। पता नहीं मीर साहब, होश में आएगा तो बतलाएगा। तो किसी ने बताया नहीं कि वो उसको जख्मी किसने किया? मीर साहब लोग बोलता पड़ा था कि मीर जलाल खान और उसका दोस्त थे जी। जलाल खान ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है? मुझे यकीन नहीं आ रहा है इस बात का। हाँ मीर साहब, हो सकता है लोगों को गलत फहमी हुआ हुए। ये मुंह, ये लोग अंधे तो नहीं है ना? जो कुछ देखेंगे वही बताएंगे। नहीं मीर साहब, नहीं मीर साहब, खुदा का वास्ते मीर साहब, मीर जलाल को कुछ नहीं बोलना, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा जी। तुम जाकर यार जान का दवा दारू करो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा, फिक्र मत करो। शाबाशी मुंह, चलो
लगने की? तुम तो नहीं झगड़ा था, वो लोग हमको घटिया और नीच बोल रहे थे। और नीच लोग तो अपनी हरकतों से पहचाने जाते हैं। तुम परेशान मत हो, हम ठीक है ना? कैसे ठीक है तुम? इतनी बुरी तरह से तुम्हें जख्मी कर दिया, तुम बोल रहे हो कि तुम ठीक हो? सोचा मैंने तो कहती हूँ अलग करे उनका बेड़ा गर्क हो, उनका सत्यानाश हो, हाथ टूटे उनके। अल्लाह नहीं करे, अल्लाह नहीं करे। सुबह कैसे बातें करते तुम पागल? उन्हीं लोगों का दिया तो खाते हैं ना हम लोग, हक क्या उन लोगों का? कैसा हक है? तुम्हारी जान लेने का? नहीं, हक किसी को तुम्हारी जान लेने का? तुम फिक्र मत करो, अभी जाके ना बड़े मीर से बात करती हूँ। जुलम है ये। डाका का न पचित तो परी को चके हड़ से बोशी शे वरी को उल्टा बाला तो ये बगाई ने जाने जाते हैं। तुम परेशान मत हो, हम ठीक है ना? कैसे ठीक है तुम?